गाइज़ गुड मॉर्निंग। सो सिचुएशन बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो चुका है। यहाँ पे नाइट कर्फ्यू लग गया है 9 बजे से, रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। सो और एक चीज़, अभी गाड़ी के अंदर भी मास्क पहनना मैंडेटरी है। एक बार अगर आप नहीं पहनते हो तो 500 का लगेगा फ़ाइन, नेक्स्ट टाइम 10,000 का। ओह माय गॉड, मतलब ये हम कंफर्म नहीं है, हमें किसी ने बताया है। जो भी हो, मतलब अभी तो मास्क पहनना ही है गाड़ी के अंदर भी, और कोशिश कर रहे हैं हम जितना कम हो सके घर से निकलना। पता नहीं अब मतलब छुटकारा कब मिलेगा। 1-1.5 साल ऑलमोस्ट हो गया है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। मतलब ये तो मतलब क्या करें, मतलब कुदरत भगवान का ही लीला चल रहा है। पता नहीं और कितने दिनों तक ये सहना पड़ेगा, कितने दिनों तक। और सो फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल के नाम सुनते ही देखो ऐसा हो गया। हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग फॉर कोविड टेस्ट। देखते हैं, प्लीज़ प्रेयर करना भगवान से कि हमारा रिपोर्ट नेगेटिव आए प्लीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे किस लिए कर रहे हो वो बोल दो। टेस्ट हो गया है। मैं आपको बता दूँ दो चीज़, अगर आप टेस्ट कराना चाहते हैं तो अभी क्या होता है कि फ़्लाइट में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन लोगों को पता रहता है कि कब करना है, तो बहुत जल्दी जल्दी स्लॉट बुक कर लेते हैं। हैदराबाद में स्पेशली हम लोग पहले सोचे थे कि हम विजय से करेंगे कोविड टेस्ट, पर क्या प्रॉब्लम है कि उधर पे सारे स्लॉट नहीं था, हमको उससे पहले करना था। और टेस्ट रिपोर्ट आने में भी टाइम लगता है ना, इतना ज़्यादा लोग टेस्ट कर रहे हैं तो मतलब वो लोग भी मतलब संभाल नहीं पा रहे, तो थोड़ा सा आप स्लॉट बुक करके अगर जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज वो लोग नहीं कर रहे शायद। तो हम लोग AIG में आए थे, हमारा हो गया है टेस्ट। कल रिपोर्ट आएगा, 24 या 30 डेज़ के अंदर 30 आवर्स के अंदर आता है। सो ये दो जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग क्या होता है कि अगर आपको नहीं पता तो हमारे जैसे आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। और एक चीज़, अगर आप कोविड टेस्ट कराने के लिए जा रहे हो तो एक ID हमेशा कैरी करना। हमारे पास आधार कार्ड रिकमेंडेड है। हाँ, आधार कार्ड रिकमेंडेड है। हमारे पास नहीं था, पर फ़ोन में गूगल ड्राइव में था, इसीलिए अनिर्बान मतलब वो एकदम ये सब काम में बहुत एक्सपर्ट रहता है, तो हम लोग कभी भी फंस जाते हैं तो वो निकाल के हमें बाहर निकल के आता है, क्योंकि वो हमेशा उसके पास बैकअप रहता है, इसीलिए हम बच गए। सो अभी हम लोग फ़िलहाल घर जा रहे हैं, फिर से मास्क पहन के जाना पड़ेगा। बी सेफ, सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ख़राब। बी सेफ। और एक चीज़ बता दूँ, कोविड में जो टेस्ट कराते हैं ना, मेरा फर्स्ट टाइम है, इनका थर्ड टाइम है। पहले 2 बार भी ये नेगेटिव ही आए थे, ऑपरेशन के लिए 2 बार एडमिट होना पड़ा इधर ही, और इधर से ही 3rd टाइम किया। तो मुंह के अंदर जो करते हैं ना वो नॉर्मल सा है, गालों से और टंग से लेता है थोड़ा सा, और नाक के अंदर जो करते हैं ना उसमें मतलब आपको 10 मिनट तक थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि कुछ किया अंदर, कुछ नहीं होता है। इतना कुछ नहीं होता है, इतना बड़ा सा ना पूरा अंदर तक। मैंने सोचा कि इतना तक घुसाएंगे, पर फुल अंदर तक। मैं आए कैसे करी, तो वो बाहर से मुझे पहले बोल दिया था कि ऐसा होने वाला है, बी प्रिपेयर। तो कुछ नहीं, बस 5 मिनट तक ऐसा एहसास रहेगा आपको कि आपके नाक के अंदर किसी ने उंगली डाला है। ये फर्स्ट टाइम किया ना, उसलिए थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। हाँ, इनका तो मेरा हैबिटेटेड हो गया है कोविड टेस्ट में। प्लीज़ गॉड हमारा रिपोर्ट नेगेटिव आए, हम कोलकाता जाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई। बीच में बंद हो गया था, अभी सब लोग पहनते हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि मास्क नहीं पहनते। सो घर आ गई हूँ मैं, चिकन कौशा बना के रख के गई थी, और ये आमिट टॉक, और थोड़ा सा सलाद बना लिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा दही ले लिया है, और राइस भी बन गया है, खाना खा लेते हैं। सो अभी मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। लौकी की सिंपल सा सब्ज़ी है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा सा मैंने मास्टर्ड ऑयल लिया है, इसमें एक सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैं जीरा डाल दूँगी, होल जीरा। नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा अनियन। अनियन हल्का सा फ्राई होने पे मैं यहाँ पे चॉप जिंजर गार्लिक डाल रही हूँ, पेस्ट भी डाल सकते हैं आप। फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 चॉप अनियन। टमाटर अच्छे से फ्राई होने पे मैं ये डाल देती हूँ लौकी। नेक्स्ट इसके अंदर मैं चने की जो दाल है जिसको मैंने वॉश करके रखा था वो डाल दूँगी। ये आपके हिसाब से आपको लेना है। मैं चने की दाल ज़्यादा डालती हूँ, उससे अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो कम डाल सकते हैं, आप मूंग की दाल के साथ ही बना सकते हैं, अच्छा लगता है। पर मूंग की दाल डालने से ना आप इतना मसालादार नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा अनियन फनियन कम डालेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर देखो हल्दी पाउडर, जीरा, धनिया और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। मसाला आप अपने हिसाब से डालना है, आप चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसमें चीनी या गुड़ भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ। और मैं डाल दूँगी नमक। इसको ज़्यादा आपको मतलब मसाले के साथ इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं मिक्स इसके अंदर डाल दूँगी पानी। तो पानी मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा बनाती हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा 1 गिलास पानी डाला, 1 लौकी और 1 कप चना दाल में। आप चाहे तो 1.5 कप भी डाल सकते हैं, नहीं तो आधा कप भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसको 3 सीटी तक उबालूंगी। हमारा पार्किंग फिर से चेंज हो गया, पता नहीं हमारा पार्किंग कब सही होगा। हम लोग गए थे सिदीपदा से दूर, फिर सिदीपदा के पास आ गए और पास आ गए। अब दोनों कार के किस करने वाले हैं। হয়েছে এবার রাখো দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভিডিও পাবলিশ করতে হবে। গোটা পাতা একটা। হ্যালো এখানে কি করে গাড়ি না ছাগল পাতা নাই কোথা থেকে এত বুঝি হয় না। हो गया है चलो अनिर्बान को गाड़ी क्लीन करने के लिए अगर अकेला छोड़ो ना तो 2 घंटा मिनिमम। माटी दे लागियो ना। मॉर्निंग गाइस। सो अभी 11:15 बज रहा है। सो आई थिंक 11 बजे के बाद रिपोर्ट आएगा। आप समझ सकते हो ना मेरे ऐसे अंदर ऐसा हो रहा है। वैसे तो कोई सिम्टम्स हमें है नहीं, पर बहुत सारे लोगों को ना एसिम्टोमेटिक है। अगर वैसा है क्या है पता नहीं। अनिर्बान बोल रहा है कुछ नहीं होगा, हम जा सकते हैं कोलकाता या ना जा सकते, इसमें क्या आता जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर यू कैन अंडरस्टैंड मैं हूँ डरपोक। आई नो आई एम डरपोक। मैं सबके सामने बोलती हूँ हाँ मैं हूँ डरपोक, क्या करें, सब लोग नहीं होते ब्रेव, मैं हूँ डरपोक। सो इस ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में एटलीस्ट शॉर्ट्स बना के भी मैं आपको बता दूँगी कि रिपोर्ट क्या आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि अभी इतना फैल गया है ना, दैट्स वाई टेंशन हो जाता है कि पॉजिटिव ना आ जाए। देखते हैं, पर होप फॉर द बेस्ट कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस ब्लॉग को मैं बहुत सस्पेंस के अंदर एंड कर रही हूँ। मेरा मन था कि रिपोर्ट आ जाए उसके बाद एंड करूँ, पर पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या सिचुएशन होने वाला है। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फ्लैट में इन्फॉर्म करना है, क्या रूल्स, पता नहीं कुछ क्या होगा। मतलब वेरी मच स्केयर्ड। ओके सो चलो बाय।